हाय गाइस, दिस इज़ आर्किटेक्ट इन हिंदी। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, हर एक यूज़र्स के लिए जो वो ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आपकी जो जैसे भी आपने कोई भी साइट पे विजिट किया है, तो उस पे क्या है कि आपने परमिशन दी होगी पहले कि उन साइट से जो है आपके डिवाइस पे जो मोबाइल पे जो है नोटिफिकेशन बार बार आते रहते हैं, जो काफ़ी आपके लिए अगर आपके लिए यूज़फुल ना भी हो, तो उनके नोटिफिकेशन जो है जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करते हैं तो आपके जो है नोटिफिकेशन जो वो बार बार आते रहते हैं। और काफ़ी जो ऐसी वेबसाइट हैं जिनके आपको जरूरत भी नहीं हो और उनके जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, उन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो उनकी वेबसाइट पर विजिट हो जाता है और काफ़ी आपका फ़ोन जो वो हैंग में लगता है। तो उन साइटों से जो है आपके नोटिफिकेशन बार बार आते रहते हैं, अगर आपको यूजफुल ना भी हो तो फिर भी जो है उनके नोटिफिकेशन आते रहते हैं बार बार, और वो नोटिफिकेशन जो है आपके लिए काफ़ी जो है वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्योंकि कुछ साइटें ऐसे होती हैं जिनसे क्या है कि अगर आप जो उन पर क्लिक भी करते हो तो क्या है कि आपका डाटा जो है वो स्टोर कर लेते हैं और आप उनके डाटा को जो वो हैक भी कर सकते हैं। तो ऐसी साइटों के जो नोटिफिकेशन बार बार आपके यहाँ पे नीचे दे सकते, जैसे आप इंटरनेट ऑन करोगे तो आपके नोटिफिकेशन पैनल में जो बार बार आते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छे होते हैं और जो कुछ काफ़ी जो है वो बहुत ही बेकार भी होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप जो है उन नोटिफिकेशन को जो कैसे बंद कर सकते हैं अपने ब्राउजर से, और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या है कि अगर आपने किसी भी पास्ट में कोई भी साइट पे जो विजिट किया होगा, तो जैसे ही आपने उसको ओपन करने के लिए क्या है कि परमिशन दी होगी, अलाउ कर किया होगा, तो अब अगर आपको जो है उन परमिशन को डिसअलाउ करना है ताकि आप जो है उनकी वेबसाइट से जो है उनके ईमेल वगैरह या आपके मैसेजेस वगैरह जो है बार बार उनके ना आए, तो आपको जो उसको डिसअलाउ कैसे करना है, तो आज वीडियो में ये दो बातें हम जानेंगे। तो गाइज, उसके लिए जो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल के आइकन को जरूर दबाएं, जिसका फायदा ये होगा कि जब मैं अपने वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो गाइज, अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको ये लिंक दिया गया, आप इस पर क्लिक करके जो मेरे को इंस्टाग्राम पर जो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, बढ़ते अपने इस वीडियो की ओर। तो गाइज, उसके लिए जो है आपको अपने जैसे आपके अगर गूगल क्रोम के आते हैं या आपके किसी अदर ब्राउजर के आते हैं तो सेम प्रोसेस है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपके गूगल क्रोम में जो है आपके ब्राउजर से आते हैं तो आपको क्या करना है, अपने गूगल क्रोम को जो ओपन करना है। जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे तीन डॉट दिखेंगे, तो आपको जो है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। अगर आपको किसी भी सेटिंग्स के बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, तो फिर मैं आपको जो है उस पर वीडियो जो है प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ से आपको जो है अब जाना है सेटिंग पर। जैसे आप इस सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे और सेटिंग्स आएंगी, तो आपको जाना है नीचे। यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा नोटिफिकेशन, तो आपको जाना है इस पे नोटिफिकेशंस पे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके बहुत सारे जो हैं ये जितने भी आपके आपने पहले पास्ट में जो है आपने साइट्स ओपन की थी यहाँ पे सारी से हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं मेरी कितने सारे जो हैं ये साइट हैं, और कुछ साइटें जो अपने आप ही जो ओपन हो जाती हैं आपकी, तो ये सारी यहाँ पे आपके यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आपके जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी जितने भी हैं यहाँ पे ऑन हो रखी हैं, तो आपको जो है इनको जो है ऑफ कर देना है। जैसे आप इनको ऑफ कर दोगे तो क्या है कि इन साइटों से जितने भी आपके नोटिफिकेशन आते थे तो वे अब आपके जो नोटिफिकेशन है वो सारे बंद हो जाएंगे। अगर आपको हर एक इसका ब्राउजर का नोटिफिकेशन बंद करना है तो आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अगर आपको किसी एक ही साइट का करना है, इनके किसी पर्टिकुलर साइट का करना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इतनी सारी साइट यहाँ पे मेरी, ये मैंने पहले इन पर विजिट किया था, तो इनके नोटिफिकेशन जो बार बार आते रहते हैं, तो मैं इसको यहाँ से जो है इनको ऑफ कर दूंगा, तो अब इसके जो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। एक तो सेटिंग ये थी, अब दूसरी सेटिंग की ओर चलते हैं। जैसे ही आपने इसको बैक करोगे तो यहाँ पे आपको जाना होगा नीचे साइट सेटिंग पे। जैसे आप इस साइट सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ से आपको दिखेगा नोटिफिकेशन, तो आपको जिस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने कितना को ब्लॉक रखा है, कि 110 साइट को जो मैंने यहाँ पे जो है ब्लॉक कर रखा है। ये आप देख सकते हो कितनी सारी साइट हैं यहाँ पे मैंने इनको जो है ब्लॉक कर रखा है। तो अगर आपको जो इनको ब्लॉक करना है तो यहाँ से आप जो है इनको नोटिफिकेशन पे जाके जो है इसको यहाँ पे जैसे दो सेटिंग को अलाउ कर रखा है, तो अगर मेरे को इसको भी करना है ब्लॉक करना है तो आपको जो है इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे जाके इसके जो डाटा है इसके डाटा को यहाँ से क्लोज कर सकते क्लियर कर सकते हो, और नीचे से आपको दिख सकता है नोटिफिकेशन अलाउ के जो यहाँ पे आपको जो है यहाँ से इस नोटिफिकेशन को जो है आप ऑफ कर देना है। जैसे आप इसको ऑफ कर दोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो मैंने इसके नोटिफिकेशन जो है ब्लॉक कर दिए हैं, और अगर आपको इसकी क्लियर रीसेट करना है या जितने भी आपने अभी तक इसको डाटा यूज हुआ था तो इसको क्लियर करना है, तो यहाँ से आप इसको क्लियर भी कर सकते हो। तो
तो यहाँ से आप इन दोनों सेटिंगों को जो है करके यहाँ से आप देख सकते हो। अब मैंने इसको जो है ये मेरे ब्लॉग में चली गई है और सिर्फ एक यूट्यूब का ही मेरा अलाव है। तो यहाँ से आप इन नोटिफिकेशन को जो है वो ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ से आप एक सेटिंग और देख सकते हैं, जैसे ही आप इसमें ऊपर जाओगे ऑल साइट्स में इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जितनी भी सारी साइट्स थी वे सारी ओपन हो जाएंगी। जैसे ही अगर आपको जो है इन पे डिसअलाउ करना है तो आपको जैसे इन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इनका स्टोर डाटा था जो वो क्लियर कर देना है और यहाँ से आपको नीचे दिख जाएगा क्लियर एंड रीसेट, तो आपको फिर इसको क्लियर एंड रीसेट कर देना। तो इससे क्या होगा कि आपका अगर डाटा इस पे कभी आपने विजिट किया होगा तो जितनी भी आपकी जो स्टोर डाटा हुआ होगा इस पे तो वो सारा जो वो क्लियर हो गया है, तो अब इसको जो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और आपका डाटा जो अब सेफ है। तो ये काफ़ी यूजफुल वीडियो है आपके लिए। अगर आपने अभी तक इनको नहीं किया है तो आपको इनको कर लेना, जिससे आपका डाटा स्टोर जो है वो बच जाएगा और जो है आपके जो नोटिफिकेशन आते हैं वो नोटिफिकेशन आने जो इनके बंद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो उसको लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।